हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफर विद सुधीर एंड माय टुडेज न्यू व्लॉग। तो मैं आज का जो व्लॉग है वो वैक्स के ऊपर है, जो गोवा में एक वैक्स के स्टैचूज बनाए थे, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, बाद में रविंद्र टंडा और गांधी जी और ऐसे मोदी जी का भी उनका स्टैचू है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी अंदर ही हूँ। उनका जो टिकट्स है वो 100 वैक्स के लिए, और उनके डिफरेंट और भी है, वो उनसे आप बाद में बात कर सकते हो, कि उनका हॉरर शो भी है उसमें। तो जो हमारी जो दीदी थी, उन्होंने हमें सारा एक्सप्लेनेशन दिखाया था कि उन्होंने कैसा कुछ उन्होंने क्या किया था हमारे देश के लिए। तो उसके बारे में उसकी जो पूरी ब्रीफिंग है वो आगे के वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो। महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। यहाँ के सभी स्टैचू साधारण मोम से बनाए गए, इनमें केमिकल हार्ड यूज किया गया ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर सके। अगर टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर गया तो सारे स्टैचू मेल्ट हो सकते हैं, इसलिए एसी यहाँ कंपलसरी है। 3 बर्नर मोम के बनाए गए और मोम से छिपकाया गया। पूरा कंसेप्ट 3 महीने में ही कंप्लीट हुआ। सारे स्टैचू गोवा के आर्टिस्ट मिस्टर पियालो ने बनाए। गीतांजलि बुक भी लिखी थी और उस बुक को नोबेल पुरस्कार है। ये स्टैचू बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन के $100 पे इनकी फोटो मिलती है। इन्होंने पब्लिक सेफ्टी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट खोजा था। सभी स्टैचूज के बाल सिंथेटिक के हैं, कपड़े फैब्रिक के बनाए गए। ये स्टैचू राधा और कृष्णा जी का है। कृष्णा जी का स्टैचू बनने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर का वजन अपने एक ही पैर पर लिया हुआ है और उन्हें बैलेंस करने के लिए मिट्टी का रोड वहां पे फिक्स किया है। राधा के हाथ में जो मटका वैक्स का नहीं बना है, दोनों स्टैचूज वैक्स के बनाए गए। इनकी ज्वेलरी कोटेड कपड़े सिल्क के हैं। सभी स्टैचूज को उनके स्किन माइज कॉस्मेटिक कलर्स यूज किए गए। ये स्टैचू मदर टेरेसा और स्वामी विवेकानंद जी का है। सभी स्टैचूज की आंखें और दांत सिरामिक टाइल्स की बनाई गई। सभी स्टैचूज को 42 से लेकर 45 के जो वैक्स कंटेन हुआ है। छोटे बेबी को 3 के जी वैक्स कंटेन हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी का मेडिटेशन कॉल कन्याकुमारी में लेके आप देख सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया की पहली मास्क। जब लाइफ ने मोदी तक हाथ में लिया लेकर ये घर घर छाती और गर्भवती पीड़ित लोगों का इलाज किया करती है। इनको लेडी विद द रैन के नाम से जाना जाता है। ये स्टैचू अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का है, एक साइंटिस्ट। E=mc² ये सभी फॉर्मूलाज उन्होंने डिस्कवर किया। इनके ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा गया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से। वो स्टैचू वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट जी का म्यूजिशियन थे। सभी वायलिन के ऑपेराज इन्होंने इन्वेंट किए थे। एक्सीडेंट के बाद गूंगे और बहरे भी हुए थे। उनकी डेथ बहुत कम एज हुई, 35 ड्यू टू फीवर। ये स्टैचू थॉमस अल्वा एडिसन। टेलीग्राफ, टेलीफोन, फोनोग्राफ, कैमरा, लाइन बल्ब, इन सब चीज़ों का आविष्कार इन्होंने किया था। जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने पहले न्यूज़पेपर पब्लिश की थी, ग्रैंड फ्रॉम हैरल्ड। ये स्टैचू वास्को डा गामा जी का एक सेलर थे। पहले पोर्चुगीज थे जो भारत में आए थे, पहले कैलिकट, बाद में गोवा। गोवा में जो वास्को सिटी है वो इनके नाम से जानी जाती है। इन्होंने समुद्र का रास्ता खोजा था। ये तीनों साइंटिस्ट। मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से जाना जाता है। लुईस पाश्चर, पाश्चराइजेशन की थी, वाइन और मिल्क और पहली वैक्सीन्स बनाई, रेबीज और एंथ्रेक्स। वो स्टैचू एडम और ईव का है। ये दोनों धरती पर पहले इंसान थे। इनकी स्टोरी बाइबल और कुरान में मेंशन की गई है।
पर पेड़ और सांप तीनों ऑर्डिनरी है, ये स्टैचूज मिलकर बनाए गए। एडम और ईव धरती पर पहले आदि मानव थे। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अबॉर्शन रेपिस्ट और चाइल्ड अब्यूज। अबॉर्शन करना क्राइम और मर्डर है। हम किसी इंसान का चेहरा नहीं दिखा सकते, रेपिस्ट बंदर को यहाँ पे रखा और आजकल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार। ये स्टैचू सेंट फ्रांसिस जेवियर जी का है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1506 को हुआ था। इनकी बॉडी को 468 ईयर्स हो गए, कोई केमिकल प्रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है, उनकी बॉडी वैसी की वैसी ही है। इनका राइट हैंड रोम में है, बॉडी इधर गोवा में है। हर साल 3 दिसंबर को इनका फीस्ट मनाया जाता है ओल्ड गोवा में, और 10 सालों में एक बार इनकी बॉडी निकाली जाती है एक्सपोजिशन के लिए। इनकी बॉडी को 2014 में निकाला था, अभी 2024 को निकाला जाएगा 22 नवम्बर को। 1.5 महीने तक उनकी बॉडी बाहर रहती है। इनको प्रोटेक्टर ऑफ गोवा के नाम से जाना जाता है। अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी। महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान। लता मंगेशकर, करीना कपूर, सलमान खान, ओबामा, आमिर खान, रजनी खान। ये कंसेप्ट है सेम और टू ड्रग्स का। आजकल लोग नशा करते हैं तो उन्हें अवेयर करने के लिए एक कंसेप्ट यहाँ पे बनाया है। ये कंसेप्ट है करप्शन का। वो ऑफिसर कहते हैं आई एम अगेंस्ट करप्शन, लेकिन फिर भी वो रिश्वत दे रहे हैं, टेबल के नीचे उसके हाथ में पैसे दिखाई दे रहे हैं। ये आईटी ऑफिसर बिजी है कुछ के काम में। गरीब लेडी मदद के लिए आई, लेकिन इन दोनों के पास उसको मदद करने के लिए टाइम नहीं। ऐसे करप्शन सब जगह पे हो सकते हैं, तो सब जगह करप्शन नहीं दिखा सकते, इसलिए ऊपर टाइम मेंशन किया। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट स्टैचू अन्ना हजारे एंड सुशांत सिंह राजपूत।